हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 70 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जान और इबो सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए गए थे, जहाँ पर जान की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है और वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि सेन शाओजान द बिजनेस टाइकून ऑफ चाइना इस सुपरमार्केट में मौजूद है। लोगों के बीच बवाल खड़ा हो जाता है। ये देखकर जॉन तुरंत अलर्ट होता है, जान और इबो को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, पर लोग उनके फ़ोटोज़ खींचने लगते हैं। अब जान किसी भी हालत में इबो को पहले सेव करना चाहता था, इसलिए जान ने इबो का हाथ छोड़ दिया। जॉन, जो सब पर नज़र रख रहा था कि कहीं कुछ हाथ से बाहर न निकल जाए, पर अब उसके कंट्रोल में कुछ नहीं आ रहा था, तो उसने तुरंत फ़ोन निकाल कर ऑर्डर्स दिए। काइनेटिक, ये एक कोड वर्ड था जो जान ने बनाया था। पहले जान मिलिट्री में काम कर चुका था, साथ में बॉडीगार्ड की स्पेशल ट्रेनिंग भी उसने करवाई थी। जान ने खुद के लिए एलाइट क्लास के बॉडीगार्ड्स रखवाए थे, जो हर सिचुएशन के हिसाब से दिमाग से काम लेते हैं। ये कॉमन पीपल थे। जान नहीं चाहता था कि इनमें से किसी को भी कोई चोट पहुँचे, इसलिए उसने काइनेटिक टीम को बुलाया। तुरंत ही 5 वेल बिल्ट बॉडीगार्ड सुपरमार्केट के अंदर आ गए। वो लोग इस भीड़ को जान और इबो से दूर करने की कोशिश करने लगे। जान ने राहत की सांस ली, पर अभी एक और बहुत बड़ा काम करना बाकी था। जान ने जॉन को आवाज़ लगाई। यस सर, कहते हुए जॉन सामने आ गया। तो जान ने कहा, सबसे पहले ये ख्याल रखना कि वो बिल्कुल सही सलामत यहाँ से बाहर निकले। जॉन ने अब चार्ल्स की तरफ देखा। अब जॉन की जिम्मेदारी चार्ल्स को संभालनी थी। चार्ल्स ने भी पूरी कमांड संभाल ली और जॉन इबो को बाहर निकालने के पीछे जुट गया। वो इबो के सामने जाकर बोला, मास्टर शाओवांग। इबो, जो जान के पीछे था, थोड़ा सा परेशान हो चुका था। अब सिचुएशन हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही थी, पर इबो खुद से ज़्यादा अपने हस्बैंड की चिंता कर रहा था। वो नहीं चाहता था किसी भी हालत में उसके गगा को कुछ हो, पर जॉन की आवाज़ लगाते ही वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। हाँ, इबो ने कहा। तो जॉन ने कहा, सर आपको ये जगह जल्द से जल्द छोड़नी होगी, मेरे साथ चलिए। जॉन की बात से इबो तो शॉक हो गया। उसने पूछा, ऐसा क्यों? तो जॉन ने कहा, सर आपके हस्बैंड चाहते हैं कि मैं आपको किसी सेफ जगह पर लेके जाऊं। ये बात सुनते ही इबो के दिल में फिर से वार्मथ फैल गई। उसने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, जो उसकी तरफ पीट करके खड़ा था। इबो ने जॉन से पूछा, क्या गगा भी हमारे साथ आएंगे? इबो चाहता था कि उसके साथ उसका हस्बैंड भी चले, ताकि वो भी सेफ रहे। पर जॉन को पता था जान अभी उनके साथ नहीं जा सकता, तो उसने जवाब दिया, नहीं। इबो ने पूछा, फिर ओल्ड मैन मुझे क्यों भेज रहे हैं? अब जॉन इबो की परेशानी समझ गया, तो उसने बिल्कुल शांति से कहा, क्योंकि सर चाहते हैं कि आप सेफ रहो। इबो ने फिर से एक बार जान की तरफ देखा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भीड़ में खोया हुआ अकेला बच्चा है। जान के एक्टिंग स्किल का तो जवाब नहीं, पर उसकी एक्टिंग देखकर अब पूरी भीड़ शांत होने लगी थी। इबो ने पूछा, क्या गगा भी सेफ रहेंगे? तब जॉन ने मुस्कुराकर कहा, वो सर हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। इबो की आंखों में अभी भी परेशानी छलक रही थी, जिसे देखकर जॉन ने कहा, वो सर मैं आपसे वादा करता हूँ आपके हस्बैंड बिल्कुल सुरक्षित होंगे, पर अगर आपको लोगों ने उनके साथ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इबो अब जाकर जान को उससे दूर भेजने की वजह समझ चुका था, तो उसने जॉन की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाया। वो जाना तो नहीं चाहता था, पर यहाँ खड़े रहकर वो जान की मुसीबत नहीं बढ़ा सकता था। तो जॉन ने मुस्कुराकर कहा, चलिए सर। इबो ने एक आखिरी बार जान की तरफ देखा और बुदबुदाया, प्लीज़ सेफ रहना ओल्ड मैन। फिर वो चुपके से वहाँ से जॉन के साथ निकल गया। जॉन ने तुरंत जान को मैसेज किया, मिस्टर शाओवांग सेफ है। जान के पॉकेट में फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने तुरंत उसे निकाल कर देख लिया और जब ये पढ़ा कि वो बिल्कुल सेफ है, तब उसने राहत की सांस ली। फिर अपना मास्क उतारा। तुरंत सब तरफ से कैमरा फ्लैश शुरू हुए। लोग जो जान की एक छवि अपने पास रखने के लिए तरसते थे, उन्हें साक्षात जान के दर्शन हो चुके थे, तो वो इस मौके को कैसे जाने देते। इधर सुपरमार्केट के स्टाफ को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बॉस के बॉस के बॉस यहाँ पर खुद मौजूद है। इससे पहले कि मैनेजर और बाकी का स्टाफ जहाँ से कुछ बोलता, जहाँ ने एक नज़र में ही सबकी बत्ती गुल कर दी और चार्ल्स से कहा, चार्ल्स 5 मिनट में सब कुछ क्लियर कर दो,
चार्ल्स जो जॉन के जितना स्ट्रिक्ट नहीं था, वो अभी भी लोगों को संभालने में लगा हुआ था। अभी तक उसे कोई ऑर्डर्स नहीं मिले थे, पर जब जॉन ने उसे ऑर्डर दिया तो चार्ल्स ने तुरंत कहा, हो जाएगा सर। अब सभी बॉडीगार्ड्स ने जॉन के पास से लोगों को हटाना शुरू किया। बिल्कुल 5 मिनट में सब कुछ क्लियर हो चुका था। फिर जॉन ने दोबारा कैशियर से पूछा, बिल का टोटल अमाउंट कितना था? तभी मैनेजर आगे आते हुए बोला, सर। पर जॉन ने उसकी तरफ बिल्कुल कोल्ड लुक देते हुए कहा, मैंने मार्क से पूछा है मिस्टर शियांग। मार्क ने तुरंत नोट करते हुए कहा, सर 3,000 युआन। जॉन ने कहा, ठीक है। अब जॉन ने मैनेजर की तरफ देखा। यस सर, मैनेजर ने कहा। तो जॉन ने कहा, मेरा कार्ड। तब जाकर मिस्टर शियांग की समझ में आया कि जॉन का कार्ड अभी भी उसके हाथ में है। अब मैनेजर ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर जॉन का कार्ड उसे वापस किया। जॉन ने वो कार्ड कैशियर को देते हुए कहा, बिल डिडक्ट कर लो। कैशियर ने नोट करके अपना काम शुरू किया। तभी जॉन ने कहा, 4,000 युआन डिडक्ट करना। कैशियर शॉक्ड हो गया। उसने कहा, सर बिल तो बस 3,000 का है। तो जॉन ने कहा, 1,000 युआन तुम्हारी टिप है। अब तो कैशियर और भी ज़्यादा चौंक गया। थैंक यू सर, उसने कहा और कार्ड तुरंत मशीन में स्वाइप कर दिया। तभी जॉन ने चार्ल्स को ऑर्डर दिए कि सब कुछ कार तक कैरी करो। जॉन अब बाकी के बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से चल दिया। पीछे चार्ल्स भी उसका सारा सामान लेकर आया। अब जॉन ने जॉन को कॉल करके पूछा, तुम कहाँ पर हो? दूसरी तरफ जॉन जब वहाँ से निकला, चार्ल्स के हाथ में सब कुछ सौंप कर, उसने इबो से पूछा, सर आप कहाँ जाना चाहते हो? तो इबो अपने ख्यालों से बाहर आता हुआ बोला, क्या यहाँ पर कोई पार्क है? जॉन चौंक गया, क्योंकि इबो इस वक्त पार्क के बारे में क्यों सोच रहा है उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर भी उसने कहा, हाँ सर बस 5 मिनट की दूरी पर है। तो इबो ने कहा, ठीक है वहीं पर चलो। इबो की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए जॉन उसे जल्द से जल्द घर ले जाना चाहता था, पर जब इबो ने कहा कि उसे पार्क जाना है, तब जॉन ने मना नहीं किया, क्योंकि इबो की हालत उतनी भी सही नहीं लग रही थी। इसलिए उसने इबो की बात मानने का तय किया और वो इबो को पास ही के पार्क में लेकर गया। शाम के 7 बज रहे थे जब जॉन और इबो उस पार्क पहुँचे। शाम का वक्त था तो पार्क में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। पूरे पार्क में उनके अलावा बस 2 लोग थे, वो भी काफ़ी दूर थे। ये देखकर इबो ने भी राहत की सांस ली। जो कुछ भी सुपरमार्केट में हुआ था उसके बाद वो थोड़ा सा आराम चाहता था। अब उसने सबसे पहले तो कोई अकेला कोना ढूंढा जो उसे तुरंत मिल भी गया। अब इबो तुरंत उस पेड़ की तरफ पड़ा। पेड़ के पास बैठकर इबो ने अपनी आँखें बंद कर ली। जॉन को भी समझ आ गया, उसके बॉस बस यहाँ बैठना चाहते हैं, तो वो इबो से थोड़ी दूरी पर खड़ा रहा। उसे देखते हुए इबो ने पहले इधर उधर देखकर ये कंफर्म कर लिया कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने पेड़ के तने पर अपना सर रखा, आंखें बंद कर ली। और जैसे ही उसने आंखें बंद कर ली, आज दिन भर की सारी यादें उसके आंखों के सामने से घूमने लगी। वो यादें इबो के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आई। इबो का हस्बैंड अलमाइटी सीईओ ऑफ शाओ कॉर्पोरेशन, छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं जानता जो बच्चे भी जानते हैं। शॉपिंग करते हुए बार बार इबो को ऐसा लग रहा था कि शाहजहान को छोटी छोटी चीज़ों के भी बारे में नहीं पता कि उन्हें कैसे किया जाता है, जैसे कि वो कॉइन वाला इंसिडेंट और उसके गगन ने उसे इसी बहाने किस कर लिया। वो इतने शेमलेस कब से हो गए? पर उसके पास सच में कॉइन नहीं था, सीईओ के पास एक सिंपल सा कॉइन नहीं था। इबो को तो उसे मारने का मन कर रहा था। इबो का हस्बैंड एक सीईओ था, माना कि उसे अपने पॉकेट में कभी कॉइन्स रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। पर चलो, इसी बहाने इबो को अपने गगा को चढ़ाने का एक बहुत अच्छा कारण मिल गया। अब कॉइन का नाम आते ही उसके गगा हंसने लगेंगे और उनके साथ इबो भी। इबो के हिसाब से पूरी शॉपिंग तो ठीक से हो गई, पर उसे आज जॉन की एक वल्नरेबल साइड भी पता चल गई और उसके साथ एक वाम्प भी मिली। जॉन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उससे दूर जा रहा था। उसने खुद के ऑस में खड़े होकर इबो को पहले बाहर भेज दिया। इबो को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, पर उसके साथ ही उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी फैल गई। वो चाहता था उसका हस्बैंड भी उसके साथ मॉल से बाहर आए, पर वो आ नहीं पाया। इबो इस सब के पीछे की वजह जानते हुए भी
रह रहकर यही सोच रहा था कि जहन ने उसे खुद से दूर कर दिया, जबकि इस वक्त तो उसे अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए था, उसके हस्बैंड ने उसे दूर कर दिया। इबो इस ख्याल से उभर ही नहीं पा रहा था, उसकी आंखें भर आई, यहाँ तक कि एक आंसू भी नीचे टपक गया। इबो खुद इस बात से चौंक गया, वो अपने आंसू पोंछने ही वाला था तभी किसी का सॉफ्ट हाथ उसके गाल पर आकर थमा। वो इबो के आंसू पोंछ रहा था। इबो ने तुरंत ऊपर देखा, वो टच वो जानता था। तुरंत इबो आगे कूद गया और सहने पे अपने बाहें फैलाकर अपने लिटिल हस्बैंड को बाहों में ले लिया। असल में जब सहने जॉन को कॉल लगाया था और उसे पता चला था कि वो पासी के पार्क में है, तो वो खुद भी चौंक गया था। जान जो तुरंत से ये चेक करना चाहता था कि वो बिल्कुल सही सलामत है, वो भी उसी पार्क में आ गया। जॉन ने जैसे ही जान को नोटिस किया, वो तुरंत उसे बो करके वहाँ से दूर हुआ, इबो और जान को प्राइवेसी देने के लिए। और जॉन के जाते ही जान इबो के बगल में बैठ गया, फिर गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत किया। इबो के साथ शॉपिंग के इतने खूबसूरत पल बिताने के बाद अचानक से ये कैओस हुआ था, जिसे संभालते संभालते जान के पसीने छूट चुके थे। अब थोड़ा सा शांत होकर उसने इबो की तरफ देखा, जो पेड़ के तने से सिर टिकाकर बैठा था। उसे देखते ही जान की रही सही थकान भी दूर हो गई। अब वो इबो के गाल पर हाथ फिराना चाहता था, पर उसने पाया कि इबो तो रो रहा है। जान ने तुरंत उसके आंसू पोंछे। अब इबो ने तुरंत आंखें खोली और जान के कुछ कहने से पहले ही इबो जान की बाहों में था और जान ने उसे कसकर गले से लगा लिया था। इबो तो बस जान को फील करना चाहता था, पर जान ने कहा, क्या हुआ स्वीटहार्ट? पर इबो ने इसका जवाब नहीं दिया, उल्टा उसने जान के गले में हाथ डाला। उसके आंसू अब और भी तेज़ी से बहने लगे थे। तो जान ने इबो का चेहरा अपनी हथेली में लेते हुए पूछा, क्या हुआ बाबाई? इबो अपसेट था और जान इसकी वजह जानना चाहता था। दूसरी तरफ इबो, जिसे जान को अपने पास पाकर ऐसा महसूस हो रहा था उसके शरीर का कोई छूटा हुआ हिस्सा वापस मिल गया है, वो कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा शांत होने के बाद इबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, जान का? जान ने कहा, यस डियर। इबो ने कहा, प्लीज़ फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। उसके बाद से जान पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। उसने इबो को कब छोड़ा था? और यही बात उसने इबो से पूछी कि उसने इबो को कब छोड़ा था। तो इबो ने फिर से एक बार कहा, प्लीज़ दोबारा कभी मुझे भीड़ में अकेला मत छोड़ना। इबो जान के ऊपर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए बोला। बोबो डर गया था। अब जाकर जान को इबो के इमोशन समझ आए, तो उसने इबो को टाइटली हक कर लिया और उसके पीठ को सहलाने लगा। इबो भी अब धीरे धीरे शांत होने लगा। अब जान ने बड़े ही प्यार से कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा माय लव। फिर उसने इबो को अपने बाहों से अलग करते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, गगा तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे लव, क्योंकि वो तुम्हारे हस्बैंड है और जब तक मौत हमें अलग नहीं करती, हम कभी अलग नहीं होंगे। जान के कन्फेशन से इबो शॉक तो हो चुका था, पर उसकी बातों में सच्चाई थी। अब इबो ने अपना हाथ बढ़ाकर अपनी पिंकी फिंगर आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रॉमिस? इबो के क्यूटनेस में जान एक पल में ही पिघल गया और उसने भी इबो के पिंकी फिंगर में अपनी पिंकी फिंगर टैंगल करते हुए कहा, जान का प्रॉमिस करते हैं कि वो बोबो को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इबो ने आगे पूछा, अगर दोबारा कभी आज के जैसी सिचुएशन आ गई तब भी नहीं? पर वो, जान ने कहा, वो इबो की किसी भी विश को नहीं मान सकता। वो एक फेमस पर्सन है, उसकी ज़िंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी है। वो हर वक्त इबो को अपने साथ रखकर उसकी ज़िंदगी भी मुसीबतों से नहीं भर सकता। पर इबो जान के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, कोई नहीं गा, मुझे आप हर समय अपने साथ रखोगे, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। आपको पता भी है, जब आपने जॉन से मुझे वहाँ से ले जाने के लिए कहा, मैं कितना डर गया था। फिर इबो गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे पता है गा, आप मेरे लिए परेशान थे, पर मैं भी आपके लिए परेशान था। पर आपने जॉन से कहा कि मुझे वहाँ से दूर ले जाए, मुझे ऐसा लगा कि आपने इस क्राउड में मुझे अकेला छोड़ दिया है।
इबो अपना डर जान के सामने रख रहा था तो जान ने उसके गालों पर हाथ फिराते हुए कहा, लव मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा डियर, मैं चाहता था कि तुम सेफ रहो इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ से जाने के लिए कहा। जान की बात सुनकर इबो ने कहा, मैं जानता हूँ गग, पर आपको भी मेरे साथ आना चाहिए था, आपकी सेफ्टी भी तो ज़रूरी है ना। इबो आखिर में जैसे चिल्ला कर कह रहा था, जैसे वो जान को डांटना चाहता हो। और इबो की ये बात सुनकर जान के दिल में भी वार्मथ फैल गई। उसे समझ आ गया कि वो अपने लिटिल हस्बैंड से नहीं जीत सकता। जान ने कहा, ठीक है लव, अब से मैं तुम्हें बिल्कुल अपने पास रखूँगा, अपने साथ। तो इबो ने मुस्करा कर कहा, प्रॉमिस ओल्ड मैन। इबो ने अपने पिंकी फिंगर को हल्का सा स्क्वीज किया तो जान ने भी थोड़ा सा कसकर स्क्वीज करते हुए कहा, प्रॉमिस पप्पी। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वांग शान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।